हो जी दोस्तों, किदा सब ठीक ठाक। तो यार अगर आपका कोई सवाल है मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो यार Redmi Note 10S जो है वो यूरोप में, ग्लोबल में, इंडोनेशिया में, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस है। बहुत सारे डिवाइसेस बिके हैं और Xiaomi जो है वो इसका पूरा ख्याल रख रहा है कि या Redmi Note 10S को जो है वो MIUI 14 विद Android 13 की अपडेट बहुत ही जल्द देखने को तो मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गुड न्यूज़ आ चुकी है यार। इसमें जो है वो MIUI 14 विद Android 13 आने वाली है और इसमें काफ़ी सारे झकास फीचर भी आने वाले हैं। होपफुली उम्मीद है कि यार जो सुपर आइकॉन्स हैं वो भी हमें इंडिया में देखने को मिल सकते हैं इस बार। और यहाँ पर जो साइड बार का ऑप्शन काफी झकास हो जाएगा, आप दो जो है वो साइड बार लगा पाए, दो साइड बार नहीं मतलब कि दो जो है अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे और मल्टीटास्किंग तो एकदम झकास होने वाली है गाइज। मल्टीटास्किंग भी जो है वो हिडन हो जाती है और यहाँ पर जो फोल्डर का ऑप्शन है वो भी बहुत ही मजेदार है यार, मेरे को काफी पसंद आया। डिफरेंट डिफरेंट साइजेस मिल जाते हैं तो काफी झकास है। तो यार ये अपडेट आपको कब मिलेगी, आप इसे अपडेट को कैसे सबसे पहले पा सकते हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको देता हूँ, ये फॉलो कीजिएगा। तो गाइज अपडेट को पाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है यार, आपको यहाँ पर एक लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिस पे यार मैंने वीडियो बनाई हुई है। आपको मी पायलट टेस्टर के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि पहले जो है मी पायलट टेस्टर को ही अपडेट देखने को मिलती है, उसके बाद ही जो है वो पब्लिक रोल आउट होता है। अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको यहाँ पर ये फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में वीडियो का। तो यहाँ पर आप देखेंगे Redmi के डिवाइसेस आ जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे जब आते हैं तो आपको Redmi Note 10S जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, तो आपको आपकी MI ID एंड जो है वो अपना जो है वो IME नंबर भरना है, तब जाकर जो है आप सबमिट करेंगे इस फॉर्म को, तो आपको जल्दी से जल्दी अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो ये अपडेट कब आने वाली हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ Redmi Note 10S MIUI 14 अनलॉक द फुल पोटेंशियल ऑफ योर डिवाइस। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है आने वाले हैं Redmi Note 10S में। एंड्रॉयड 13 आने वाली है जिसमें काफ़ी फीचर अनलॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिटेल्स है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ये जो है वो यूरोप की है, Redmi Note 10S MIUI 14.0.01 TKL EUXM, तो ये ग्लोबल की है, नेक्स्ट सॉरी ये EU की है, नेक्स्ट है ग्लोबल की, यहाँ पर MIUI 14.0.0.4 TKL MIXM, तो ये ग्लोबल की अपडेट है, MIUI 14.0.1.0 TKL INXM, तो ये ऑफिशियल इंडिया की जो है वो अपडेट है, और यहाँ पर ये किसी और कंट्री की है, और यहाँ पर ये जो है ID यानी कि इंडोनेशिया की है। तो सभी कंट्री के लिए जो है वो MIUI 14 की अपडेट जो है वो एंड्रॉयड 13 के साथ जो है वो रेडी हो रही है, अंडर टेस्टिंग चली गई है। तो ये अपडेट अभी कब मिलेगी, तो यार अभी जो है वो टेस्टिंग होगी, पहले आपको पता है नए डिवाइसेस फ्लैगशिप लेवल के डिवाइसेस को मिलती है, उसके बाद ही जो है वो रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस को आती है। तो यहाँ पर क्वार्टर 2 लिखा है, तो अप्रैल के महीने के बाद ही आपको अपडेट मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलने वाली, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। बिटवीन अप्रैल टू जून, इसके बीच में जो 3 महीने हैं, कभी भी आपको अपडेट देखने को मिल सकती है अगर आपने बीटा टेस्टिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि उन्हें ही सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद बाकी सारे यूज़र को। तो यार थोड़ा सा वेट कीजिए, फॉर्म भर दीजिए, अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो यार ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, तो यार आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।